आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे मिलते हैं डबल। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपका घर कैसा होने वाला है। सो ये है हमारा 575 का 2B बालकनी भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके साथ हम देखते हैं, हम लिविंग रूम से अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन तो काफ़ी ज़रूरी होता है बॉस, क्योंकि किचन में ही तो बनता है सबसे स्वादिष्ट खाना। नमस्कार, मेरा नाम है वीरेन विजय सावंत और इस घर जंक्शन के नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। कब तक अपने सपनों का घर आप अपने सपनों में ही देखते रहोगे? आपका ये सपना पूरा करने के लिए हम लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप हमारे नए वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपके सपनों का घर आपको जल्दी मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते आज इस नए प्रोजेक्ट की तरफ। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट में आए हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है कोहिनूर प्राइम, जो कि है कोहिनूर डेवलपर्स के, जो कि काफ़ी नामचीन डेवलपर्स है, जो कि 30 ईयर्स का उन्हें काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस है। तो आज जैसे कि हम आए हैं कोहिनूर प्राइम में, कोहिनूर प्राइम में आपको नाम में ही बहुत सी चीज़ें पता चल गई होगी। कोहिनूर हीरे की तरह चमकता हुआ प्राइम लोकेशन पे आपको अपने सपनों का घर मिलने वाला है। शहर स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हमारा ये प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको 21+ एमिनिटीज़ मिलेगी। मैं तो वेट भी नहीं कर सकता कि आगे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती है। तो चलो चलते हैं इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने। प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे आओगे कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। शहर स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको हमारा ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। लोगों को एक स्टेशन नज़दीक नहीं मिलता, आपको यहाँ पे 4-4 स्टेशन नज़दीक मिलते हैं। कल्याण स्टेशन, शहर स्टेशन जहाँ पे हम खुद है, उल्लासनगर स्टेशन और विठलवाड़ी स्टेशन, ये स्टेशन आपको काफ़ी नज़दीक मिलने वाले हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कल्याण मुरवाड़ हाईवे मिल जाता है, जिससे कि आप टिटवाला, कसारा, कल्याण स्टेशन, जो कि सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे आप काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। अगर किसी को बदलापुर जाना है, कोई बदलापुर में काम करता है, तो वो भी आप यहाँ से उल्लासनगर स्टेशन जा सकते हो। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे यहाँ से आपको उल्लासनगर स्टेशन मिलता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ से आपको नासिक हाईवे मिलता है सिर्फ 30 मिनट्स के बाय रोड डिस्टेंस पे, जिसमें भी आपको अगर मैं एक नया रास्ता बताने जाऊँ तो आधरवाड़ी जेल करके हमारे यहाँ पे है, वहाँ से आप शॉर्टकट लोगे तो बापगांव से होके आप आसानी से नासिक टोल हाईवे तक पहुँच सकते हो, जो कि आपका 10 से 15 मिनट्स और भी कम कर सकता है। तो चलो प्रोजेक्ट पे आप यहाँ आ तो गए। अब इसके बाद प्रोजेक्ट्स के आने के बाद आपको कुछ यहाँ की फैसिलिटीज़ बताते हैं जो आपको नज़दीक ही काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे आ तो गए, लोकेशन पे पहुँच गए, बट अब आपकी ज़रूरतों का क्या? शहर से लेके जो वॉकिंग डिस्टेंस जो मैंने 2 मिनट का कहा है, वो 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पूरा मार्केट एरिया है। आप जो डेली यूसेज का जो मार्केट है, जैसे कि ग्रोसरीज हो गई, सब्जी हो गई, आप काफ़ी आसानी से वहाँ से घर आते आते ले आ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। आपको कहीं दूर जाने की या कोई दूसरे रास्ते पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे स्टेशन पर उतरे, वॉक करते करते, सारा सामान लेके शॉप करते करते आप अपने घर तक पहुँच सकते हो। साथ ही साथ अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाता है। उसमें आपको मिलते हैं सेक्रेड हार्ट स्कूल, आरकेटी कॉलेज, सीएचएम कॉलेज, बिरला कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी नज़दीकी मिल जाती है। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करने जाऊँ तो आपको यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल और सेंचुरी रेयन, ये 2 हॉस्पिटल आपको काफ़ी नज़दीक मिल जाते हैं। अगर मैं शॉपिंग की करने जाऊँ बात, तो शॉपिंग में आपको मैक्स, रिलायंस फ्रेश और डीमार्ट काफ़ी नज़दीक मिलने वाली है। तो जब आपका मन करे आप अपने शॉपिंग के लिए जा सकते हो और घर का सामान भर के ले आ सकते हो। चलो आप यहाँ पे पहुँच गए, शॉपिंग कर ली, आसपास सारी चीज़ें देख ली, अब जहाँ आप रह रहे हो उसमें आपको चीज़ें क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। चलो बहुत सी सारी बातें हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, नज़दीकी तुम्हें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे आने के बाद हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप एंटर करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे मिलते हैं डबल हाइटेड लॉबी, जो कि काफ़ी बड़ी है। जैसे कि सबका कहना यही होता है कि घर का दरवाज़ा देख के हम जान सकते हैं कि घर कितना खूबसूरत होने वाला है, तो आप लॉबी देख के पहचान ही सकते हो कि आपका घर
कितना खूबसूरत होने वाला है। साथ ही साथ आपको इस लॉबी के साथ मिलता है यहाँ पे एक वेटिंग रूम। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, ये है हमारा वेटिंग रूम। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, आपको यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस मिल जाते हैं, बायोमेट्रिक थंबप्रिंट मिलता है। जब तक आप थंबप्रिंट नहीं करते हो तब तक आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई मेहमान यहाँ पे आ जाता है तो उसको वेट करने के लिए यहाँ पे एक वेटिंग रूम दिया गया है, जो कि आसानी से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो एमिनिटीज़ की बात करते हैं, तो एमिनिटीज़ में आपको मिलते हैं किड्स एरिया, यहाँ पे आपको लैंडस्केप गार्डन मिलता है, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ लॉन मिलता है, और साथ ही साथ आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी ना कि आओ तुम्हें मैं चांद तारे तोड़ ले आओ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी ये कहावत सच होने वाली है तो यकीन नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, आपकी ये कहावत सच होने वाली है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चांद तारे आप तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन चांद तारों को आप नज़दीकी देख ही सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हो, आपको यहाँ पे दिया जाता है स्टार गैजलिंग टेलीस्कोप, जो कि आपको थोड़ा सा उस लाइन को बदलना पड़ेगा कि मैं चांद तारे तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें चांद तारे दिखा जरूर सकता हूँ काफ़ी नज़दीकी से। तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिलता है बारबेक्यू डेस्क। जी हाँ, सबको आजकल ना बारबेक्यू काफ़ी चहिता हो चुका है। बट क्या होता है पता है, बारबेक्यू नाम सुना ना लोगों के मन में एक ही चीज़ें आती है, अरे यार ये तो नॉनवेज ही रहेगा, हम कैसे खाए। नहीं, यहाँ पे आपको वेज नॉनवेज दोनों प्रोवाइड किया जाता है। जिसको वेज खाना है, जो वेजिटेरियन है वो वेज खा सकता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो दबा के चिकन खा सकता है। तो आपको एमिनिटीज़ में इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली। चलो ये बात तो हो गई एमिनिटीज़ की। जैसे कि मैंने कहा कि घर का दरवाज़ा अच्छा हो तो घर भी काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, तो क्यों ना घर देखा चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपका घर कैसा होने वाला है। So, ये है हमारा 575 का 2BHK, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा हॉल काफ़ी बड़ा है, इतना स्पेशियस कि आप यहाँ पे डाइनिंग काफ़ी आसानी से रख सकते हो। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आपके पास काफ़ी बड़ी स्पेस बचती है। आप यहाँ पे अपना सोफ़ा रख सकते हो, आप यहाँ पे आपकी चेयर्स रख सकते हो, और स्पेशली आप यहाँ पे अपने वॉल पे एक बड़ी सी टीवी भी लगा सकते हो, क्योंकि आप इनकी वॉल देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी वॉल है, तो आप आसानी से आपकी बड़ी वॉल पे एक बड़ा टीवी आप लगा सकते हो। तो आइए हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ, और मैं दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम आपका कितना बड़ा होने वाला है। ये है आपका मास्टर बेडरूम, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। यहाँ पे एक आराम से आपका बेड वॉर्ड्रॉप आ सकता है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और मेनली आपको मास्टर बेडरूम में यहाँ पे मिलता है एक वॉशरूम, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉशरूम काफ़ी आपको अच्छा मिलता है, इसमें टाइल्स की फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बालकनी भी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके साथ हम देखते हैं, हम लिविंग रूम से अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन तो काफ़ी ज़रूरी होता है बॉस, क्योंकि किचन में ही तो बनता है सबसे स्वादिष्ट खाना। तो आप देख सकते हो कि किचन भी काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, नीचे आप ट्रॉलीज लगा सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आप चाहो वैसे। नीचे की स्पेस काफ़ी अच्छी है, आप अपना सामान काफ़ी अच्छे से रख सकते हो यहाँ पे। ये जो दूसरा जगह है वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट मिलते हैं, जहाँ पे आप मिक्सर लगा सकते हो, यहाँ पे आप फ्रिज लगा सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है बिल्डर की तरफ से। अब यहाँ पे आते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में आप डोर्स देख सकते हो, डोर्स काफ़ी अच्छे हैं, मुझे डोर्स बहुत अच्छे लगे इनके। डोर्स के साथ साथ आप देख सकते हो इनकी फिटिंग भी ना काफ़ी अच्छी, एक क्वालिटी फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे चाहिए तो मिरर्स भी लगा सकते हो आपके वॉशरूम में, वो आपके ऊपर है। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम, ये है हमारा सेकेंड बेडरूम, जो कि आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। सेकेंड बेडरूम में भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, आप यहाँ पे भी एक बेड रख सकते हो, उसके साथ ही साथ एक कबर्ड आ सकता है काफ़ी आसानी से, और बाकी की आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप आसानी से यहाँ पे फिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बालकनी प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन ये बेडरूम काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे ये रूम 2BHK का बहुत लाइविश है, बहुत बड़ा है। Thank you.
तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, इनके दो हाई राइज टावर्स है, ग्राउंड प्लस 14 टावर्स के दो हाई राइज टावर्स होने वाले हैं इनके, जिसमें से जो बी विंग है वो ऑलरेडी 100% सोल्ड आउट हो चुकी है। जो ए विंग है जिसमें हम खड़े हैं उसका 70% सोल्ड आउट हो चुका है, बचा हुआ 30% का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हो नीचे दिए गए हुए नंबर्स पे आप फोन कर सकते हो और आप अपनी विजिट बुक कर सकते हो। मैं तो चाहूंगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कोई भी मिस ना करे। अगर इनके 70% फ्लैट्स बुक हो चुके हैं तो बचे हुए 30% का हिस्सा आप अगर बनना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाइए, विजिट कीजिए। आप खुद आके यहाँ पे देखिए कि ये जो सारी चीजें हमने वीडियो में बताई है वो है कैसी, बोलने में और देखने में बहुत सी फर्क होती है। मैं खुद आके यहाँ पे विजिट करके देख चुका हूँ, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इन सब चीजों के लिए। अगर आप भी उतनी एक्साइटेड हो तो बिना देरी किए अपने विजिट बुक करके आप यहाँ पे आके अपने फ्लैट्स बुक कर सकते हो। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आप घर बैठे बैठे नए नए फ्लैट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी की रिक्वायरमेंट्स है कि हमें उन बजट्स में फ्लैट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँ और आप घर बैठे उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू। Change up.